हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और हिमालय का नदियों के द्वारा हिमालय का विभाजन, नदियों के द्वारा हिमालय का विभाजन में आज चर्चा करेंगे कि नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया। अभी तक हम लोग ऐसे ही पढ़े थे जितना हिमालय का विभाजन है, बेसिक फैक्ट जितने ज्यादा कॉमन है वो पढ़े। नदियों के आधार पर भी हिमालय का विभाजन किया गया है। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन चार रूप में किया गया है, और चार नाम कौन कौन से हैं, तो जो सबसे पहला है वो है पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है नदियों के आधार पर। अभी हम एक एक पॉइंट समझाते चलेंगे। ठीक, पंजाब या कश्मीर हिमालय। अब इसके बारे में पहले बता दे रहे हैं, चार भागों मैंने कहा विभाजित किया गया, पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो पंजाब या कश्मीर हिमालय जो है नदियों के आधार पे, सबसे पहला पार्ट है, यह सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच है, सतलज नदी के बीच तक है, नदी तक है। ये देखिए जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी जो निकली हुई है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक के बीच वाला भाग जो है वो हमारा पंजाब या कश्मीर हिमालय कहलाता है। ठीक, आप लोग मैप में देखिए, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच के भाग को हम लोग पंजाब या कश्मीर का हिमालय कहते हैं। देखा जाए तो सिंधु और सतलज नदी के बीच जो भी चीज आती है वह हमारा पंजाब या कश्मीर हिमालय में आता है। ठीक, दूसरी चीज ये है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच वाला भाग है हिमालय का, वह लगभग 560 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 560 किलोमीटर लंबा है। तो ये क्षेत्र काफी बड़ा माना जाएगा, 560 किलोमीटर ये एरिया लंबा हुआ है जो पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। पंजाब या कश्मीर हिमालय जो है, इसका एक और बेसिक फैक्ट है, पंजाब इसके अंतर्गत लद्दाख, जास्कर व काराकोरम श्रेणी भी आती है, काराकोरम श्रेणी। तो ये जो प्रमुख रूप से जो ट्रांस हिमालय का भाग है, इसका दक्षिणी भाग और उसके बाद जितना भी नीचे कश्मीर या पंजाब वाला क्षेत्र आ जाता है, कश्मीर है जो, और हिमाचल प्रदेश का भी कुछ भाग जो है वो पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, और दूसरी चीज है, पंजाब या कश्मीर हिमालय में अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए, तो यहाँ वनस्पति जो है बहुत निम्न मात्रा में, यहाँ पर वनस्पति जो है बहुत ही निम्न मात्रा में, बहुत निम्न मात्रा में, यहाँ पर जो भी वनस्पति या जो भी पेड़ पौधे या जो भी चीज को यहाँ पे अगर कहीं उत्पादन होता है या उगता है या काम होता है, तो वो पंजाब या कश्मीर हिमालय के दक्षिणी भाग में है, पंजाब या कश्मीर हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में है। ठीक, इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पे पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो दक्षिणी क्षेत्र है जो एक तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है पंजाब और कश्मीर हिमालय का। जो दक्षिणी क्षेत्र सबसे नीचे वाला, देखो ये वाला जो क्षेत्र है, देखिए इसमें ये जो भाग है ये हमारा दक्षिणी एवं तराई क्षेत्र है, जहाँ पर पेड़ पौधे वन आदि पाए जाते हैं। अगर बात करें उत्तर की दिशा में, तो पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय के उत्तर में कोई पेड़ पौधे या कोई भी वैसी वनस्पति नहीं उगती है। बहुत ज्यादा है तो मैंने कहा था बहुत सूक्ष्म मात्रा में है, तो कुछ पेड़ पौधे हैं जो उस जलवायु को झेल कर या उस जलवायु के अनुसार अनुकूल रहते हैं, वही पेड़ पौधे हैं। तो अधिकतर वनस्पतियां, अधिकतर चीजें जितनी है वो कहाँ? दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक, तो पंजाब या कश्मीर हिमालय, तो पहला इसका जो भाग है पंजाब या कश्मीर हिमालय, नदियों के आधार पर इसका बेसिक फैक्ट है कि जो क्षेत्र सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के भागों से पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। ठीक, इसका जो दूसरा भाग है जिसे बोला जाता है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत क्या फैक्ट है, तो ये चीज हम लोग जानते चले। तो कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार जो है सतलज नदी से लेकर, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है,
काली नदी तक है, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है, ठीक। इसका जो विस्तार है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है, जो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आ जाता है। कुमाऊं हिमालय जो है भारत का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मनोरम क्षेत्र है, जो भारत का पर्यटन स्थलों में इसकी सर्वश्रेष्ठ में नाम आता है, सर्वश्रेष्ठ श्रेणियों में इसको रखा गया कुमाऊं हिमालय को। कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, तो ये जो क्षेत्र है वो सतलज और काली नदी के है। इसके बीच अगर बात करें कुमाऊं हिमालय में सतलज और काली नदी के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक। और ये काफी मनोरम और बहुत ही सुहावने क्षेत्र है भारत में। कुमाऊं हिमालय बहुत ही अच्छा है और गर्मियों के मौसम के लिए समझ लीजिए स्वर्ग के बराबर, ठीक। तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत हमारे कुल्लू मनाली घाटियां आती हैं, नैनीताल आता है। घूमने वाले प्लेसेस इतने बेहतर, उतने अच्छे हैं कि कुछ कहने को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग घूमने के पर्पज से जाते हैं। अच्छा, देखा जाए सतलज नदी और काली नदी के बीच जो कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं हिमालय का मैंने बताया आपके बारे में, आपको इसके बारे में इसका विस्तार अगर बात करें तो इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार 320 किलोमीटर है। इसका विस्तार कितना है? 320 किलोमीटर तक है, ठीक। सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो लंबाई है वो कितना है? 320 किलोमीटर तक है। ये काफी मनोरम, और यहाँ पे कोड़धारी वन भी पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र में मुलायम हरे घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर मुलायम हरे घास के मैदान पाए जाते हैं, मुलायम हरे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो उसके अलावा घास के मैदान तो पाए जाते हैं, जिन्हें हम कश्मीर में मर्ज कहते हैं, और उत्तराखंड में इन्हें क्या बोला जाता है? बुग्यालया पयार, बुग्यालया पयार के नाम से जाना। अल्मोड़ा है, नैनीताल है, देहरादून है, तब घाटियां पड़ती हैं, बहुत मनोरम, बहुत ही अच्छी आती हैं। तो इसका क्वेश्चन इसके जो बनेंगे, कुमाऊं हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के मध्य है, तो आपको पता होना चाहिए सतलज व काली नदी। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर किस नदी तक है, ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको टिक करना है, ठीक है। तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत जितने फैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज, जो जो चीज मैं बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक। हर चीज नोट नहीं, आपको मैं मैप के अनुसार बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। ये कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय, ठीक, ये नेपाल हिमालय, ठीक, और ये असम हिमालय। तो चार भागों में डिवाइड हुआ है, और इसको हम दो दो पार्ट में लेके चलेंगे, ठीक। पहले वीडियो में आपको दो पार्ट के बारे में मैंने बताया, और अगला जो पार्ट आएगा उसके अंतर्गत हम दो पार्ट आपको बताएंगे। तो इसमें आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक फैक्ट लेकर चल रहे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके अलावा यहाँ पर इस क्षेत्र में चोटियाँ भी हैं, नंदा देवी है, कामेट है, ठीक। ये प्रमुख चोटियाँ जो हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, जितनी पर्वत चोटियाँ भी हिमालय की, कुछ जो इसके अंतर्गत आती है कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी चीज़ इसमें यही बात बताई गई है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। और दूसरी चीज़ है, कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत कई नदियों का उद्गम भी है, इस क्षेत्र में कई नदियों का उद्गम भी है, ठीक। तो आप लोगों को पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत मैंने नदियों के आधार पर विभाजन बताया। अगली वीडियो में आपको नदियों के आधार पर दो टाइप और बचे हैं, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, राइट। तो आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो, इससे संबंधित जो भी चीज़ें हो, आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, जो एडवाइस देना चाहते हैं, जो भी चीज़ कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में से कह सकते हैं, ठीक। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे जरूर शेयर करें, उसका समाधान कोई ना कोई निकाला जाएगा, राइट। और आपको जैसी भी वीडियो लगी हो, आप लाइक कमेंट व शेयर जरूर करते रहें, और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सभी लोग सब्सक्राइब करें। अगर कम्पिटेटिव स्टूडेंट्स जितने हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट जितने हैं, वो आप लोग शेयर करें, ठीक, जिससे आपको भी पता चलेगा, साथ ही साथ आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव जो भी हैं उनको भी इसकी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि हर एक पर्सन रिचेस्ट नहीं होता, हर एक पर्सन पैसे वाला नहीं है जो पेड क्लास अफोर्ड कर सके, ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड कर सके, जो 800 या 5000 10000 फीस है
जमा कर सके। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, आप आराम से उसको पढ़िए, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।